हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए और मैं इंतज़ार कर रही हूँ मम्मी का। क्या हुआ? तो मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी आएंगे तो मैं जाऊँगी मार्केट, और मैं अकेले मार्केट नहीं जाती, मम्मी के साथ ही जाती हूँ। तो इसलिए अभी मम्मी जॉब से आई नहीं है, और यहाँ किट्टू स्कूल से आ चुका है, सॉरी ट्यूशन से, है ना किट्टू? आप ट्यूशन से आ गए हो? हाँ। तो अभी 6 बज गए हैं, 6:30 हो रही है। देख, अब मुझे जाना है स्कूल। तो अब तो कल जाना है ना स्कूल आपको? पर तो रात हो गई। हाँ। और किट्टू यहाँ टीवी देख रहा है। आज किट्टू ने टीवी नहीं देखा पूरे दिन, तो मैंने टीवी चला दिया, टीवी देख रहा है। और मैं ना अभी प्लाजो कुर्ता में थी, तो मैंने सूट सलवार पहन ली, क्योंकि मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी मैं बाहर जाने में, क्योंकि घर पे ना मैं कोई सा भी कलर, कोई सा भी कुछ भी, कोई ये नहीं है कि हाँ इसका मैचिंग पहनो, उसका मैचिंग पहनो, मैं ऐसा कुछ नहीं देखती हूँ। और आज मैंने ये बैंगल भी पहना, बहुत दिनों से मन कर रहा था चूड़ी पहनने का। मेरा ना कुछ ऐसा ही रहता है, मन करता तो मैं पहन लेती हूँ, मन नहीं करता तो मैं नहीं पहनती हूँ। और मम्मी आएंगी तो जाऊँगी मार्केट, और मार्केट जाऊँगी तो मैं आप सबको दिखाऊँगी हमारे यहाँ की मंगल बाज़ार कैसा लगता है। और सबके यहाँ बाज़ार सेम ही लगता होगा यार, बाज़ार थोड़ी ना कोई अलग लगता है, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ होती है। और पिछली बार तो मंगल बाज़ार में ना करवा चौथ पे गई थी जब शॉपिंग करने, तो मेरा ना पर्स चोरी हो गया था, ज़्यादा उसमें पैसे नहीं थे बट चोरी हो गया था पैसा, तो मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई थी। तो इस बार जाऊँगी ना तो सावधानी से पर्स लेके जाऊँगी, और फ़ोन लेके गई तो मैं ज़रूर शूट करके लाऊँगी, और नहीं लेके गए तो मैं नहीं लाऊंगी शूट करके। तो अभी भी मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, मम्मी आएंगी तो जाएंगी मार्केट। तो फाइनली मार्केट से आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मार्केट से आने के बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि लेट हो गई थी और पापा को लग रही थी भूख, तो मैंने पहले फटाफट खाना बनाया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं मार्केट में ना इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, किट्टू घर पे ही छोड़ के गई थी ना किट्टू को, तो उसको मैं फ़ोन की लालच से ना उसको मैं छोड़ के गई थी कि आप फ़ोन देख लो, तब तक मैं मार्केट से आती हूँ। और मैं बच्चे को लेके कहाँ पूरे मार्केट में घूमती, बहुत भीड़ होती है, बच्चा संभालूंगी कि सामान खरीदती कि फ़ोन संभालती, तो इसलिए मैं नहीं लेके गई थी। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई हूँ, बट जो भी लेके आई हूँ आप सबसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ लाई हूँ मैं सामान सारा, जो भी लाई हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, थोड़ा बहुत ही लाई हूँ। तो अभी कैमरा सेट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सामान में ना, मुझे बहुत प्यारा लगा, और मैं ऐसी चीज़ पहली बार पहनूंगी, मतलब पहनी तो बहुत हूँ बट ऐसा डिज़ाइन पहली बार पहनूंगी। तो ये स्लीपर कैसा लग रहा है, इसका प्राइस भी बताऊंगी मैं, सिर्फ 100 रुपये का है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन वाला स्लीपर मैं पहली बार पहनूंगी, मैंने नहीं पहना मैं, और मुझे अंगूठा वाला ही चाहिए क्योंकि बिना अंगूठे वाला ना मेरे पे चला नहीं जाता है। और ये लास्टिक है, ये चीज़ जो है ना ये लास्टिक है, ये लास्टिक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे एक पैर में ना स्वेलिंग रहती है, तो एक पैर मेरा थोड़ा मोटा सा रहता है, एक पतला सा रहता है, तो लास्टिक से ना मेरे पैर में बिल्कुल फिट आ गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो अब दिखाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लाई हूँ कप, मैं गिर जाता हूँ, खुला। अच्छा किट्टू ने सारे खोल दिए हैं। तो ये लाई हूँ 6 पेयर का कप, ये 5 है और एक 6 है। तो ये मुझे इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, बताइएगा इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मेरे पास कप था बट ना एक एक करके किट्टू ने सारे कप फोड़ रखे थे, तो बस मेरे पास 2 कप बचे थे। और हम लोग चाय, जैसे कोई आता था ना तो ग्लास में चाय देती थी, अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ये कप लेके आई। तो मुझे कप का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा है ना, इस
में चाय भी खूब अच्छी खासी आ जाएगी, कोई वो नहीं है कि हाँ अंदर से बिल्कुल वो है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा। एंड सेकेंड चीज है किट्टू की सैंडल, किट्टू की सैंडल और मेरी सैंडल, मेरा चप्पल, मतलब सेम सेम कलर है, बट आपको कैमरे में नहीं निखर के आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा पॉलिश लगा हुआ है ना, तो इसका कलर थोड़ा अलग ही निखर रहा है, और ये पॉलिश में नहीं है ना, तो ये थोड़ा ब्लैक लग रहा होगा आप लोग। तो किट्टू के पास भी चप्पल सैंडल नहीं थी, उसके स्कूल के शूज़ हैं और दो दो स्लीपर भी है, बट कहीं आने जाने के लिए नहीं था तो मैं उसके लिए ये लेके आई। बताइएगा कैसा लग रहा है। और सेम ऐसा डिज़ाइन में ना किट्टू एक बार पहन चुका है, सेम ही सेम डिज़ाइन, बट वो ना इस कलर में था, जैसा इसके अंदर का कलर है ना उस कलर में था, तो इस बार मैं कलर चेंज करके लाई हूँ। और ये ना मतलब कुर्ते पे भी पहन लो तो अच्छा लगेगा, जैसे शादी में जाना है तो कुर्ता भी सिलवाया मैंने उसके लिए, और वैसे फॉर्मल भी कपड़े बनवाए हैं, तो जिस पे भी पहन लेगा ना उस पे अच्छा लगेगा, ये ऐसा है। और अब उस अगली चीज है, हाँ लेके दिखाया मैंने, हाँ अभी दिखाते हैं। और मैं किट्टू के लिए लेके आई हूँ लोबर, अच्छा लग रहा है ना। मैंने अभी किट्टू को नहीं दिखाया, अभी आप ही लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये भी स्ट्रेचबल है और ये कॉटन है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की ये कॉटन है, आप इस पे घर पे अगर उधड़ जाए तो सिलाई लगा सकते हो, और बच्चों के कपड़े तो ऐसे होते हैं कि मतलब उधड़ते ही हैं, एक से दो बार से ज़्यादा नहीं चला पाते हो, तो इस पे सिलाई लगा सकते हो। और इसका बैग का लुक कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है। मैं किट्टू के लिए लेके आई हूँ, इसका कपड़ा भी कॉटन है, गर्मी में भी अच्छा चलेगा। तो इस पे मैं पहले इस पे सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं किट्टू को पहनने के लिए दूंगी। और एक हाफ निकर लेके आई हूँ, गर्मी आ रही है तो उनके लिए कपड़े तो ऐसे ही लाने पड़ेंगे, इसमें ना जेब है ना तो उसे बहुत पसंद आएगा। प्लास्टिक है, ये भी बिल्कुल अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट वाइट कलर, मुझे थोड़ा यूनिक सा लग रहा था। और मैं लेके आई थी अपना फाइलर, नेल फाइलर एंड ब्लैक कलर की चूड़ी और बिंदी, और मम्मी लाई थी अपने लिए ब्लैक कलर की बिंदी डब्बे वाली, मैं भी ब्लैक कलर की लगाती हूँ ज़्यादातर, डब्बे वाले आपने देखा भी होगा। और एक काजल लाई हूँ, और ये भी दिखाती हूँ, ये है सिंक साफ करने वाला ब्रश। तो ये ना 20 रुपये का देता है, बट ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, मैंने कहा सिंक ही तो साफ करनी है क्या है मुझे, तो ये 10 रुपये का दिया है। और मुझे ये कप, मैं आप लोगों को रेट बता देता हूँ, जो मैंने ये कप लिया है ना, कप मुझे 60 रुपये का मिला है, और किट्टू की भी सैंडल 100 रुपये की है, और मेरी भी चप्पल 100 रुपये की है, और किट्टू का लोवर और एंड ये कच्छा मिला के 150 के 2 दे रहे थे, मतलब कुछ भी ले लो 150 के 2 ये, 150 के 2 ये, तो मैंने एक एक दो लिए हैं। और ये काजल तो सस्ता वाला ही है यार, मेरे पास है काजल, आइकॉनिक काजल है, बट ना वो मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैंने इसको मुझे ये लेना पड़ा अर्जेंट में अभी, क्योंकि ये मंगल बाज़ार में ना ज़्यादा है, मतलब अच्छा चीज़ तो मिलता नहीं है, ऐसे नॉर्मल मिलता है, तो कभी मार्केट जाऊँगी ओल्ड की मार्केट, जब जाके वहाँ से अच्छी क्वालिटी का लेके आऊँगी। और ये बिंदी भी 10 रुपये की, और ये फाइलर भी 10 रुपये का, और ये चूड़ी 30 रुपये की। तो मेरे पास, मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली है ना, तो एक हाथ में ही इतना चूड़ा आएगा, चूड़ी आएगा। हाँ मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लो। पर मैं तो गलूटी नहीं खाया। अच्छा, ये एक हाथ में इतनी चूड़ी आएगी, और एक सेट मैं लेके पहले ही आ गई थी, मतलब इससे पहले जो मार्केट गई थी जब मैं लेके आई थी, और ये आज लेके आई हूँ। और ये बिंदी 5 रुपये की, और मैं लेके आई हूँ रोज़, रुको किट्टू कैमरा हिल जाएगा, ये रोज़ लेके आई हूँ मैं जूड़ा बना के लगाने के लिए, तो मुझे ना जूड़ा बना के रोज़ लगाना बहुत पसंद है मुझे। और कुछ नहीं लाई मुझे, बेटा ये नानी का है, रुक जाओ फालू। मैं मम्मा
तुम्हारी मैक को नहीं मारूंगा। अच्छी बात, मैंने ये तो आपको दिखाया नहीं, मैं गोल्डन कलर का झुमका लाई हूँ। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे इसको अभी नहीं खाना, मुझे इसको इसको खा। ये है 100 रुपए का, और ये सब चीजें मुझे ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा मार्केट में ही मिल गया, क्योंकि ये ही चीज मैंने ऑनलाइन ना 120 130 का देखा, और ये सब 100 रुपए का है। अच्छा लग रहा है ना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और बस आज की मेरी यही शॉपिंग थी, अब जो कुछ मैं भूल गई, ये खाना है, अगले मंगल बाजार को करके लाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। घर आके मुझे याद आया, यार मैं वो तो लाई नहीं, जितना मुझे याद रहा मैं उतना लेके आई, और फाइलर ना मेरा टूट गया था, ये निकल गया था, सिर्फ ये था, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट शेयर जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरा सामान आप सबको कैसा लगा, मेरी पसंद कैसी है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे किट्टू रोज़ को सूंघ रहा था और कह रहा, मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब इसे प्लास्टिक के रोज़ में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो किट्टू ने लोवर पहन भी लिया। किट्टू सबको लोवर दिखाओ। ओ माय गॉड, जेब में हाथ डालो। ओहो, ओ नहीं, आपके तो 2 जेब है देखो, और बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं, है ना बेटा? हाँ, मैं आज ही जाऊंगा स्कूल। सबको कर दो बाय। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यहाँ मैं भी रोज़ को बाल में लगा के देख रही हूँ, अच्छा लगता है कि नहीं। मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट किया क्योंकि ना टीवी चल रहा था, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी।